OCD पति पत्नी के बीच में तलाक की पहली सीढ़ी है। OCD नहीं तो तलाक नहीं होगा, OCD है तो तलाक हो के रहेगा। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, कैसे हो? गुरुजी मैं तो ठीक हूँ एकदम। आप देखिए, हम तो पहले ही देख चुके तभी तो आप अच्छे हैं, आप कोई कष्ट बचा नहीं। OCD खूब थी, वही गंदा सब गंदा, चिड़ होना, नफरत होना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होना, मन न लगना किसी काम में, अकेले पड़े रहना, किसी बात करने का मन नहीं करना, पति से भी दूरी, सबसे दूरी, बच्चों से भी दूरी, सबसे दूरी। एक सवाल है मेरे अंदर, कर डालें पहले। गुरुदेव जी थोड़ा सा हमारे हस्बैंड से और मेरी अनबन क्या बहुत लंबी बात हो गई, वही तो बता रहे हैं। OCD यही बता रहे हैं, OCD ही कारण है, उसी चर्चा कर रहे हैं हम आपसे। OCD का मतलब पति से दूर रहना, शकल ना अच्छी लगना, ठीक है ना, बहुत कुछ होता है OCD में। अब ज़्यादा चर्चा नहीं कर। गुरुदेव मैं जानना चाहती हूँ, उन्होंने ऐसे कुछ कारण किए थे जिनका ऑडियो मैंने सुना था, तब से मुझे उनसे बहुत नफरत हो गई ना? ऐसा नहीं है जी। अब आप सुनिएगा ऑडियो उनके, उस प्रकार के 10 सुनिएगा। जी नहीं गुरुदेव, उन्होंने हमें मारने की कोशिश। एक मिनट बात सुनिए, सब कुछ किया था ना जी। अब आंखें बंद करो, अब अपने पति को देखो, कोई नफरत, कोई घृणा, कोई चिढ़, कुछ भी लग रहा है आपको? नहीं, वैसे नहीं। एक ही लाइन में जवाब चाहिए हमें। लग रहा है कुछ? नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ऐसा कराने वाली जो स्मृतियाँ थीं, चिढ़ पैदा करने वाली, दूरी पैदा करने वाली, उनको मौका मिलता है। आदमी हत्या हो जाती तो आपस में एक हो जाते हैं। ये तो केवल आपने कोई ऑडियो वीडियो सुना, कुछ देखा। एक समझदारी वाला जो कालम रहता है OCD के कारण बंद हो जाता है, ठीक है ना। अगर आज से आदमी कोई ख़राब काम कर रहा, आज से अच्छा करना चाहता है तो हमें इसको स्वीकार करना है जी। है ना जी। तो उस समय से अगर अच्छा किया, सब कुछ किया, तो सब अच्छा ही अच्छा है। तो पुरानी चीज़ें हैं OCD जो है कि सब गंदगी आपको अंदर से ऐसे भाव देती थी कि सबसे ख़राब आदमी यही दूर रहो, और पुरानी बातें आपको याद कराते थे। अब अगर आपको दूसरा क्वेश्चन हम आप करें, एक क्वेश्चन तो हो गया कि ठीक लग रहे हैं। अब आँख बंद करके देखो, अब आपका विश्वास कैसा दरबार ने किया है। अब आँख बंद करके देखो, क्या लगता है भविष्य में ऐसा दोबारा करेंगे? अब वो गुरुदेव जी मैं तो उन पर विश्वास नहीं, हमें जवाब चाहिए एक लाइन में। नहीं लगता है। आँखें खोल ली, अब आपको ये भी लग रहा है कि भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे, तो बनता है ना रिश्ता आगे का अच्छा। ऐसा हमारा डिवोर्स तक का मैटर चला गया, 2.5 साल से हमारा केस भी चल रहा है गुरुदेव जी। इसीलिए कह रहे हैं कि ये सब गंदगी आई, इसीलिए दूरी हुई। OCD के कारण ये होता है। OCD तलाक की पहली सीढ़ी है। मैं रोज़ बोलता हूँ दरबार में, आप शायद सुने हो मेरे वीडियो। सुना है जो मैं कहता हूँ कि OCD पति पत्नी के बीच में तलाक की पहली सीढ़ी है। OCD नहीं तो तलाक नहीं होगा, OCD है तो तलाक हो के रहेगा। ये OCD के कारण होता था। OCD सब गई, सब गंदगी चली गई, कुछ बचा नहीं, है ना। और कभी कभी लगता था खूब चिल्लाएं, कस के चिल्लाने का मन करता था, खूब चिल्लाती थी। क्यों चिल्लाती थी? उन्हीं पर नहीं, बच्चे पे भी। हाँ, सब पे। बताया ना अभी मैंने, क्या बताया? पति से नहीं, बच्चों से दूर रहने का मन करता था, नफरत होती थी। ऐसे गंदे स्थानों पर, मुस्लिम स्थानों पर ये सब टोना टोटका वालों के यहाँ जाने के कारण ये हुआ। पढ़ लो, देखो। मैं तो नहीं जाती, आप देखो, बता रहे फिर कौन कौन जाता है। अभी सब बताएंगे हम, सारा कुछ बताएंगे, है ना। अपने मायके में जाओ वापस, आप देखो कौन जाता था। मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब इसलिए नहीं दिखाई दे रहा कि DNA तोड़ दिया है हमने, इसलिए आपको मायका भी नहीं दिखेगा। अब तो DNA तोड़ दिया, आपके मायके में सब हुआ जिसके कारण समस्या हुई, ठीक है जी। और उसका भरपाई आपको करनी पड़ी। तमाम जगह जाने के कारण एक गंदा संदा उल्ला मुल्ला मौलवी किया, तो आपको भोगना पड़ेगा। करो झाड़ फूक, टोना टुटका, और इसलिए हुआ बेटा। इसीलिए आपको सिजोफ्रेनिया लगता था, कोई है आसपास, कोई ये कर रहा है मेरे साथ, कोई वो कर रहा है, गंदा कर रहा है, ये है वो, दुनिया भर गंदे। गुरुदेव बहुत चिड़न होती थी, मेरी बात कोई सुनता नहीं था, मुझ पर कोई विश्वास नहीं करता था, पता नहीं। हाँ, आपको ऐसा ही लगता था। आपका श्वास फूलना, सिर में दर्द रहना, PCOD होना, है ना। ऐसा लगता था एनस में गुदादार में कीड़े चलना, कुछ कुछ चलता महसूस होना, अर्धबेहोशी में रहना, तलाक के विचार बने रहना, है ना, दुख की हमेशा स्मृतियाँ बनी रहना, यूरिन में इन्फेक्शन था खूब, थायराइड ग्लैंड में जो है सूजन हो रही थी, कूल्हों में आपके सड़न हो रही थी, भूख ठीक से लगती नहीं थी। देखो सब पहले से लिखा हुआ रखा है, इसमें नीचे लिखा है सब। देखो नीचे से 2 नंबर में तलाक के विचार पहले से पर्चा आपका लिखा रखा है। शुरू में दिखाया था सबके पर्चे लिखे रखे हैं, तो आपका देखो लिखा रखा है तलाक के विचार चला करते थे, तलाक तक ले आए आपको। तो ये सब आपके अपने विचार होते हैं, ऐसा आपको लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सब बाहरी स्मृतियाँ जिनके कारण सारी गंदगी होती थी, आज वो स्मृतियाँ चली गई, नष्ट हो गई। अब आप अच्छे से सोच पा रहे हो चीज़ों को, है ना, खुले मन से सोच पा रहे हो, सब गंदगी चली गई। और कुछ नहीं है। इस समय हमें अपना बेटे से बहुत प्रॉब्लम थी, ये 3 महीने से मैं ज़्यादा उससे परेशान हूँ। क्यों? गुरुदेव बिल्कुल कोई बात नहीं सुनता था और घर से भगने का हमेशा मन करता था और जान से मारने का मन करता था, लगता जान से मार दे इसको। मैं जब चिड़चिड़ाती थी अंदर से तो लगता था इसको मैं मार दूं, जान से मार दूं। लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ पढ़ लीजिए, पहले से लिखा हुआ है जो आप चाहती थी, पढ़िए। ये तो मैंने अभी भी कहा था कि या तो गुरुदेव इसको सही कर दे पूरी तरह से या तो इसको मार दे, है ना। मैं बहुत अंदर से टूट चुकी हूँ। तो देखिए लिखा हुआ है सब आपके लिए, जो जो आप सोचते थे कर देते। और मजे की बात अभी मैंने दरबार में कहा है इस चीज को कि या तो गुरुदेव पूरी तरह सही कर दे, इनका संकल्प तोड़ दिया जाए, नष्ट कर दिया, बैलेंस। अत्यंत प्रेम अपने बच्चों और पति के प्रति, अत्यंत प्रेम स्मृतियाँ, अटूट विश्वास की स्मृतियाँ भर दिया, सक्रिय कर दिया। शिव वो शरीर निकाल के नष्ट कर दिए जो परिवार से, बच्चों से, पति से नफरत कर, शिव सब गाँव खिला दिए, इसके बच्चे शिव सब खिला दिए। पांच बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब देखिए किसी को मारने का मनन कर रहा है नहीं। गुरुदेव ये थोड़ा सा नशा करने लगा है, कोई बात, वो तो अच्छा हो जाएगा, वो तो अच्छा हो जाएगा। जानते हो नशा एक दिन छूट जाता है। पढ़ने के लिए ही ज्यादा बोलती हूँ, नशा के लिए। आप संकल्प करोगे, जैसे ही संकल्प करोगे वैसे ही सब करने लगेगा, नशा छूट जाएगा, वो पढ़ेगा भी। बस गुरुदेव इसका नशा छूट जाए, पढ़ते हैं पहले। देखो आप उसको, देखो आँख बंद करके देखो उसको, लाए जा खींच ओम शिव। नशे से उच्चाटन, शराब से, मांस मदिरा से, प्रहार, उच्चाटन, विकर्षण विदूषण पैदा किया। माँ के प्रति गहरा प्रेम पैदा किया, पढ़ाई लिखाई के प्रति गहरी रुचि पैदा की जाए, स्मरण शक्ति बढ़ा दी जाए, एकाग्रता बढ़ाई जाए, रुचि पैदा की जाए, आत्मविश्वास और बढ़ा दी जाए, शिव भर दिया जाए, शुद्धि। वापस इसको शरीर में डाल दिया, वापस इनकी माँ के इनके अंदर से दुख की गहरी स्मृतियाँ सब बाहर निकाली जाए, जितने गहरे में दुख है सब बाहर निकाला जाए। शिव सबसे ऊपर बच्चे का सबसे बैलेंस। बैलेंस। अब अपने पति को देखो जरा, जिनसे तलाक अलाक चाहती हो, ओम लाया जाए खींच के इनके पति को, ज्ञान से शिव एक अंश लाया जाए। इनके अंदर जितनी भी खराब स्मृतियाँ सब पति के साथ मिलकर, पति के अंदर भी, दोनों एक साथ नष्ट कर दिया। शेष सब नष्ट कर दी जाए स्मृतियाँ, पति से भी नष्ट कर दिया, पति में भी नष्ट कर दिया, इनसे भी नष्ट कर दिया। बैलेंस। शुद्धि, अत्यंत प्रेम, अटूट विश्वास, अटूट स्नेह की स्मृतियां भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए, सबसे आगे रखें। बैलेंस। वो कालखंड कर दिया जब से अलग हुआ शिश करके सड़कों के जोड़ दिया जाए जहाँ से पहले दिन जोड़ दिया से काट दिया जाए बैलेंस शादी के पहले दिन से जोड़ दिया जाए। पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय। आँख खोलो अपना बंधन कीजिए। घर में सब लोग कहते थे बच्चे को कि नशा मुक्ति में डाल दो, पर गुरुदेव मैं कह रही थी मैं आपके दरबार में लेके जाऊंगी वहाँ से सही हो जाएगा। बहुत जल्दी दरबार करने वाला है। सब लोग कहते थे वहाँ से कुछ नहीं होगा कि हर जिले में एक नशा मुक्ति का एक केंद्र खुले दरबार की ओर से और लोग नशे से मुक्ति पाएँ, परिवार नष्ट हो रहे हैं। अभी ये तो जो कहने वाले लोग हैं वो तो बहुत कुछ कहते हैं जी गुरुदेव, उनका काम ही कहना है। हाँ। ठीक है, उनका काम विचारों कहना, ना कहें तो उनका मुंह बंद हो जाएगा। मैं उनको आई तो मेरे से लोग कह रहे हैं जा रही हो अपने मन से देखो क्या होता है बच्चा। हाँ। सही होता है कि नहीं। मैं मेरे को ऐसे ही लोग आपके शुभचिंतक हैं, लिख लेना डायरी में कहीं, बड़े अच्छे वाले आपके शुभचिंतक हैं ऐसे लोग, क्योंकि खुशी मनाएंगे। अब बेचारे दुख में डूब जाएंगे आपको देख के, बच्चों का अरे कैसे हो गए, अब कैसा प्रेम हो गया इनका, तो उनको दुखी होने का समय आ गया बेचारों का। उसके नशे के लिए कहती थी इसको वहाँ डालो तो वहाँ सही हो जाएगा। हाँ वहाँ डाल दो। हाँ। कैद में तो ठीक हो जाएगा। पर मैंने कहा नहीं, मैं उसको कैद में नहीं डालूंगी। मैं मुझे 10 आदमी अपने जिले से ला के निकाल के दिखा दो जो नशा मुक्ति केंद्र में गए हों और आज नशा ना कर रहे हों। 10 आदमी ला के दिखा दो। मुझे ये चीज़ का पता था कि वहाँ पे नहीं सुधर सकता। आप वहाँ जेल की तरह रखे जाते हैं, मारपीट करते हैं, माँ बाप से वसूली करते हैं, लाखों रुपया वसूल लेते हैं, कुछ नहीं होता। यहाँ दरबार में यूँ चुटकी में नशा बंद खत्म होता है। मैं आपके दरबार में बहुत पहले से वीडियो देख रही थी, आने की कोशिश करती थी पर आ नहीं पाई। पर अभी बच्चे का ऐसा हुआ तो मैं पता नहीं कहाँ से मेरा बिल्कुल। आप नशा मुक्ति केंद्र में डालो, वहाँ भी ड्रग्स देते हैं, दूसरे रूप में देते हैं। गुरुदेव आप तो जानते हैं कि वो कहाँ तक बढ़ चुका था। हाँ यस, सब कुछ पता है लेकिन अब आप देखिए, आपको क्या लगता है बच्चा आपको नशा करेगा? मैं तो विश्वास है नहीं करेगा बस। हाँ, केवल संकल्प। अब आपके अंदर जितना दुख समस्याएं लग रही थी अब आपको लग रहा कुछ है? कोई दुख लग रहा किसी प्रकार का? नहीं, आपसे बात करती जो कहना था तो मेरा सारा दुख हल्का हो गया, खत्म हो गया। यही से बस यही चाहते हैं कि सबका विश्वास बढ़ जाए मेरे बच्चे को देखकर। बिल्कुल बेटा, सब ऐसे ही होगा। ठीक है, परिवार से जुड़े, खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, हरि हरि खुश प्रसन्न। एक महाहवन करना है, उसमें अपने को रखना है और अपने बच्चों को रख लीजिए। गुरुदेव एक चीज़ और, मेरी माँ थोड़ा आज अस्वस्थ है, मैंने उनसे वो यहाँ है नहीं, मैंने उनसे कहा था संकल्प कर ले और जो तकलीफ़ है वो कह दें, पर पता नहीं वो कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ। वो तो मतलब घर में है। आपकी मदर, उनको बोल दीजिए बाबा की फ़ोटो नेट से निकाल के पूजा किया करें, आरती देखा करें, दरबार के भजन सुना करें, अपने आप स्वस्थ होती जाएंगे, है ना। हाँ खुश हो, प्रसन्न हो, ये तो दरबार की शक्ति खुली हुई है। खुश हो बेटा।